आखिरी 3 महीनों में होने वाली खून की कमी जो बच्चे के और माँ की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये बहुत ही आप कह लें कि सेंसिटिव और क्रिटिकल सारी सिचुएशन होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अपनी डाइट को लेके चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरम मुश्ताक, आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड IVF काउंसलर। मैं गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और IVF काउंसलर काम कर रही हूँ। आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि थर्ड ट्रिमेस्टर में प्रेगनेंसी के जो आखिरी 3 महीने होते हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, हमें कौन सी ऐसी ग़िज़ा है, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी नीड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कैलोरीज के हवाले से तो 350+400 जो है वो कैलोरीज आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं आखिरी 3 महीनों में। और उसके इसके साथ साथ जो कैल्शियम और आयरन और प्रोटीन की नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं अगर आपके ये कैल्शियम आयरन और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं है। सबसे पहले हम एक चीज़ पर बात करते हैं कि कहा जाता है कि हामला खतून को सब खाना चाहिए, बस उसको होता है कि बड़े जैसे के कहते हैं कि जो आता है वो बस खाओ, पेट भर के खाओ, दो दो रोटियां खाई जाती हैं एक ही टाइम पे, तीन तीन, और पराठे देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये चीज़ें। लेकिन अगर रिसर्च को देखें ना तो रिसर्च ये कहती है कि एक प्रेगनेंट लेडी जो भी खाती है उसका असर उसके बच्चे पर होता है। अब अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ पाई जाती है, डायबिटीज़ का जीन आपकी फैमिली में पाया जाता है, तो ये आपके जितना भी टाइम आप हामला रहती हैं और जो खाती पीती हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो जीन आपके बच्चे में जाएगा या नहीं। अगर कोई भी ऐसी बीमारी आपकी फैमिली में रन कर रही है तो आपको ज़्यादा एहतियात से खाना पीना चाहिए, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है। साइंस कहती है, रिसर्च कहती है कि जो आप खाएं पिएंगे वो अगले 5 साल तक आपके बच्चे पे असरअंदाज होगा, आपके जीन्स की सिलेक्शन होती है, कौन सी जो बीमारी है फैमिली के अंदर चल रही है वो आगे बच्चे में जाएगी नहीं जाएगी। तो ये बहुत ही आप कह लें कि सेंसिटिव और क्रिटिकल सारी सिचुएशन होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अपनी डाइट को लेके चलना चाहिए। हामला खतून में हम बात करते हैं खून की कमी में, आखिरी 3 महीनों में होने वाली खून की कमी जो बच्चे के और माँ की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज भी कितनी है। अगर तो वो 9 से less than है तो आप एनीमिक हैं, आप में खून की कमी है। अब खून की कमी कैसे होती है, आप नाकिस ग़िज़ा ले रहे हैं, आप ऐसी ग़िज़ा ले रहे हैं, ऐसे फूड ले रहे हैं जिनमें आयरन नहीं है। आयरन है क्या? आयरन हमारे खून में पाया जाने वाला ऐसा मादा है जो खून को बनाता है और बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को देता है। ऐसे ही ये मादा आपके बच्चों को न्यूट्रिएंट की, ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई दे रहा है, और अगर यही कम हो तो आपके बच्चे को ना तो सही ग़िज़ा मिलेगी, ना ऑक्सीजन मिलेगी, और ना ही सही से उसकी ग्रोथ होगी। क्योंकि जो थर्ड ट्राइमेस्टर, ये 7th, 8th, 9th मंथ जो होते हैं इसमें बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो पीक पे होती है, तो हमें जो आयरन की कमी है इसको बर वक्त तशखीस के साथ, इसको जो हमने है ग़िज़ा के साथ और सप्लीमेंट के साथ इसको हमने हल करना है। अब सबसे पहले ग़िज़ा से बात करते हैं कि कौन से ऐसे आयरन रिच फूड हैं जो आपके आयरन की कमी को, आपकी खून की कमी को पूरा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिचेस्ट फूड की जिसमें गोश्त आ जाता है, रेड मीट। जी, रेड मीट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन और ये आपके खून की कमी को दूर करता है। आप अपने हफ्ते में 2 से 3 बार, अगर आप एनीमिक हैं, आपको खून की कमी है, तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप गोश्त ज़रूर खाएं। और इसके अलावा अगर हम इसके वेजिटेबल सोर्स पे बात करें फलों के, तो इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं जिसमें सब्ज पत्तों वाली सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, फल आ जाता है, चुकंदर आ जाती है, अनार आ जाता है, सेब आ जाता है,
जाता है, आलमंड्स आ जाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं अपनी डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शामिल करें। अब हम एक और पॉइंट पे बात करते हैं, आप अपने आयरन पूरा ले रहे होते हो, मेडिसिन भी ले रहे होते हो, डाइट से भी ले रहे होते हो, लेकिन मसला कहाँ आ रहा होता है कि आपका आयरन उस तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि आप गलती कहीं ना कहीं कर रहे होते हो। अब आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या ज़रूरी है? आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आयरन के साथ, जैसे कि गोश्त है, आयरन रिच फूड है, उनके साथ किसी भी कैल्शियम वाले फूड का इस्तेमाल करोगे तो ये एब्जॉर्प्शन बहुत कम कर देगा, ठीक है। जैसे कि आप दूध दही का इस्तेमाल कर लेते हैं गोश्त के साथ या आयरन रिच फूड के साथ, ये आपकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। और अगर आप आयरन रिच फूड खा रहे हैं और उसके साथ विटामिन सी, जैसे अगर आप आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो आप सारे दिन में एक ग्लास नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गोश्त पे जो अगर आपने गोश्त स्टीम खाया है या फिर आपने उसका सालन बनाया तो उस पर नींबू निचोड़ के खा सकते हैं, आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, इससे क्या होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अब आयरन की एब्जॉर्प्शन कम किन चीजों से होती है? जब आप उसके बाद इस्तेमाल करते हैं चाय, ठीक है, उसके साथ उसके बिल्कुल बाद इस्तेमाल कर लेते हैं दूध दही सॉफ्ट ड्रिंक्स, इससे क्या होता है उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत हद तक कम हो जाती है और हमें खून की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल पर्सन को 500 mg और 700 mg होती है, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी को थर्ड ट्रिमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होते हैं इसकी जो डोज है वो डबल हो जाती है, मतलब 1000 mg पर डे। और ये आपने अपने सप्लीमेंट से और अपनी डाइट से जो है इसकी मिकदार पूरी करनी होती है। अगर आप कैल्शियम नहीं सही क्वांटिटी में ले रहे जो आपको रिक्वायर्ड है, इससे क्या हो सकता है, आपके बच्चे की ब्रेन हेल्थ पे ये इफेक्ट करता है, क्योंकि ये जरूरी होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए, मसल्स डेवलपमेंट के लिए, नर्व डेवलपमेंट के लिए। तो रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर कैल्शियम जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है आप वो नहीं ले रहे तो आपको एक डिसऑर्डर प्री क्लैम्पसिया भी हो सकता है, जिसमें मसल क्रैम्पिंग और ज़्यादातर थकावट, मसल्स खिंचाव, ये सब चीज़ें जो है सामने आती हैं। तो हमने 1000 mg जो है वो पूरा किस तरह करना है, अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की। फूड सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले हमारे जो कैल्शियम को लेके बात आती है दूध की, ठीक है। अगर आप डेली 1 to 2 glass दूध आप पी रहे हैं विदाउट शुगर, शुगर ऐड किए बिना, तो ये आपकी काफ़ी हद तक जो है वो कमी को पूरा करेगा कैल्शियम की। इसके साथ साथ दही में कैल्शियम अच्छी मिकदार में मौजूद है, आप बादाम से कैल्शियम ले सकते हैं, आप एक स्पेशल किस्म की फिश होती है उससे जो है वो डीप फ्राइड ना हो, ग्रिल्ड हो, आप उससे कैल्शियम ले सकते हैं। सीड्स जिसमें चिया सीड्स आ जाते हैं और सफ़ेद तिल आ जाते हैं, आप इनसे कैल्शियम ले सकते हो। अब एक और चीज़ है अंजीर। अंजीर के इस्तेमाल से आपको दो फायदे होंगे, क्योंकि थर्ड टाइम में अक्सर प्रेग्नेंट लेडी को इशू होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी का भी इशू होता है, तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें कि हमारी जो है कैल्शियम की नीड भी पूरी हो जाए और ये दोनों मसले भी हल हो जाए। तो आप क्या करें कि आप रात को ओवरनाइट आपने 2 to 3 अंजीर को भिगो के रख देना है आधा कप पानी में, और सुबह जब उठे नहाए वो आप अंजीर को खा लीजिए और जो है आप उस पानी को पी लीजिए, इससे आपके कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ हो जाएगी, एसिडिटी भी, और आपकी कैल्शियम की नीड भी जो है वो पूरी हो सकती है। अब वेजिटेबल्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं कुक्ड 1 cup ले लीजिए, उससे भी आपकी कैल्शियम की नीड पूरी हो जाती है। और अगर आप बात करें कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को कैसे बढ़ाया जाए, जैसे हमने आयरन की बात की थी, आयरन को विटामिन सी के साथ, कैल्शियम को विटामिन डी के साथ, अगर आप इसके साथ साथ विटामिन डी आप अपनी टैबलेट से भी, जो भी मल्टीविटामिंस हैं उनसे भी ले रहे होते हैं, सनलाइट विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, एग विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 पे। ओमेगा 3 आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आई डेवलपमेंट के लिए और स्किन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीनों डेवलपमेंट डिपेंड कर रही होती हैं ओमेगा 3 पे, तो आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 बहुत लाजमी शामिल करना है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, आप अखरोट का इस्तेमाल, डेली 1 अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर ड्राई नट्स इस्तेमाल करने हैं तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक कि आपने
में उनको बहुत ज़्यादा चबा चबा कर खाना है, और उसके साथ वाटर का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ओमेगा 3 के सोर्सेज जिनमें फ्लैक्सीड आ जाता है, उसमें एवोकाडो और इसके साथ सैल्मन फिश आ जाती है। अब हम इसके अलावा जो है प्रोटीन, हमारी ख़वातीन क्या करती हैं कि कार्बोहाइड्रेट अपनी रूटीन में अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं, और प्रोटीन ना होने के बराबर होती है, फैट ना होने के बराबर होती है, और ज़्यादातर ग्रेन्स लिए जाते हैं, 2-3-5 रोटियां ली जाती हैं। लेकिन उनके साथ साथ ठीक है आप वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रोटीन और फैट इंटेक बहुत लो होता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमीनो एसिड जिनसे हमारे मसल्स ने बनना है। अगर वही नहीं होगी तो सब जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं होगी। तो प्रोटीन अपनी डाइट में और फैट इन दोनों का, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3, इसके साथ साथ प्रोटीन और फैट का ख्याल भी आपने रखना है कि प्रोटीन आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स में फॉर्म में अपनी डाइट में शामिल कर रहे हों। थर्ड ट्रिमेस्टर में एक और चीज़ डेफिनेटली कहा जाता है कि रेस्ट। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। अच्छी स्लीप और रेस्ट के साथ एक चीज़ वॉक जो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसको 20 या 25 मिनट 15 मिनट करें, लेकिन थर्ड ट्रिमेस्टर में आप वॉक अपनी लाजमी जो है वो स्टार्ट कर दें। इससे आपको डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा इस ये बेनिफिट आपके लिए साबित होगी। किसी भी किस्म के इंफॉर्मेशन के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और हमारा हॉस्पिटल विज़िट कर सकते हैं, गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स। यहाँ डॉक्टर नाइला और हमारी टीम एक पेशेंट को होलिस्टिकली लेके चलते हैं, जिसमें हम मेडिसिन, उसकी न्यूट्रिशन, डाइट और लाइफस्टाइल को लेकर चलते हैं कि किस तरह वो अपनी हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।